वेलकम टू माय चैनल व्यूवर्स शकीला किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त झटपट बनने वाली नान खताई बना रही हूँ, वो भी पतीले में। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटे के बटन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। चले नान खताई के अज्जा नोट करें। ये मेरे पास है हाफ कप मैदा, ये मैंने हाफ कप चीनी ली है, उसको मैंने अच्छी तरह ब्लेंडर में इसको पीस लिया है। तो इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 लाचियां इसके अंदर ही पीस ली है। 5 लाचियां ली है मैंने, उनको मैंने चीनी के साथ ही पीस लिया है। तो ये मेरे पास है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा ये। तो ये मेरे पास 2 टेबलस्पून बेसन, ये 1/2 कप बनस्पति घी, चाहे आप देसी ले लें चाहे आप बटर ले लें। तो मैं ये दूसरा बनस्पति घी ले रही हूँ। ये कुछ बादाम है ऊपर लगाने के लिए और ये अग है ऊपर लगाने के लिए। चले इसको शुरू करते हैं। मैं इसको इस बीटर से इसको मैं मिक्स करने लगी हूँ, इलेक्ट्रिक बीटर से। अगर विक से आपके पास है तो उससे अभी आप कर सकते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं बस ये कर रही हूँ, आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं। ये घी इसमें डाल देंगे। चले इसको मैंने डाल लिया घी को, तो बिल्कुल स्लो पे आपने रख के इसको अच्छी तरह बीट करना है क्योंकि इसका दाना खत्म हो जाए। चले मैंने इसे बस 1 मिनट किया है, ये देखिए ये क्रीमी सा हो गया। तब ये जो चीनी और वो इलायची मैंने पीसी है इसको डाल देंगे। तो आपसे ये मैंने आपको बताना है कि जब भी ये पाउडर चीनी इस्तेमाल करें तो चूल्हा आपका बंद हो तो तब आप इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि वो उड़ती है तो आग लगने का खतरा होता है इससे। चलिए चीनी मैंने सारी डाल ली, इलायची और जो चीनी पीसी हुई, तो उसको भी हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। बस इसे मैंने तकरीबन 20 से 25 सेकंड के लिए सिर्फ मिक्स किया है, तो जो एग बीटर है इसका काम अब खत्म है, इसको अब साइड पे रखेंगे। तो ये मैदा लेंगे और ये बेकिंग सोडा जो है मेरे पास, इसको अच्छी तरह डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये जो बेसन मैंने लिया 2 टेबलस्पून, ये भी इसमें डाल देंगे, इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके। चलिए इसे मैंने पूरा मिक्स कर लिया, अब इसमें जाएगा सारा। अब इसको हाथ से आपने आटे की तरह गूंद लेना। चलिए इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अगर आपको लगे कि इस तरह ये खुश्क खुश्क है तो आपने इसमें और कोई चीज नहीं डालनी, यही घी आपने लेना है, थोड़ा सा और डाल लेना इसमें। ये मैंने 1 टेबलस्पून और डाल दिया। चलिए इसे भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, चलिए ये देखिए अब ये आटा हमारा गूंद गया। इसमें मैंने कोई पानी कोई और चीज नहीं इस्तेमाल की, घी मैंने थोड़ा सा और जो डाला है 1 टेबलस्पून, अगर डले तो डालें, ना डले तो इसी तरह। ये देखिए बस ये हो गया, इससे ज्यादा आपने नहीं करना क्योंकि हाथों की जो गर्मी है वो ज्यादा नहीं आपने इसको देनी। चले ये मिक्स हो गया, तो अब मैं ट्रे लेती हूँ तो उसमें बना लेते हैं। चले ये मैंने बेकिंग ट्रे ली है, तो पतीला मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है, तकरीबन मुझे 3 से 4 मिनट हो गए। तो ये बेकिंग ट्रे के ऊपर मैंने बटर पेपर बिछा लिया, मैंने कोई इसको अभी ग्रीस नहीं किया क्योंकि इसके अंदर खुद घी बहुत ज्यादा है। तो अब छोटे छोटे पेड़े लेंगे जितना आपको साइज चाहिए। देखिए अब इसको बनाएंगे, किसी तरह ट्रे में रख लेंगे। चलो ये मैंने पूरी नान खताइयां बना ली है इस तरह। ये देखिए मैंने निशान लगा लिए, एक मैंने छोड़ दी। आपको ये अंगूठा लें, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे बस। तो
तो अब ये जो मैंने अंडा फेंट लिया इसको अच्छी तरह लगा देंगे ऊपर। इसी तरह आपने एग लगा लेना ऊपर पूरा, ये देखिए अंडा अच्छी तरह कोट करना आपने, क्योंकि इससे इसकी चमक और शाइनिंग आएगी, इससे नान कढ़ाई ज़्यादा प्यारी बनती है। ये लगाना ज़रूरी है, ये आपने मिस नहीं करना। ये बादाम मैंने जो लिए हैं इनको मैंने दो हिस्सों में इसको कटिंग कर लिया, दो दो कर लिए एक बादाम के, तो इसी तरह ऊपर लगा देंगे। चलिए मैंने पूरे बादाम भी लगा लिए, उधर पतीला भी हमारा प्रीहीट हो गया, चले इसे रखते हैं पतीले में। चलिए ये पतीला, देखिए ये पतीला मैंने प्रीहीट कर लिया, तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट हो गए। तो ये मैंने नमक लिया है 1 कप मैंने भर के लिया, उसको मैंने नीचे बिछाया हुआ है। पहले भी यही नमक आप बार बार, इसको आपने फेंकना नहीं है, इसी को पकड़ें और इसी को ठंडा करके फिर रख लें, फिर ये बार बार इस्तेमाल करें यही वाला। तो ये मैंने स्टैंड ले लिया कोई, तो ये मैं रख रही हूँ इसके ऊपर। चले इसे मैंने रख लिया, तो अब मैं इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं इसकी हाई फ्लेम रखूंगी नीचे से, आँच जो है मैंने इसकी 2 मिनट तक मैंने इसको तेज रखना है। तो 2 मिनट के बाद मैं इसको मीडियम पे कर दूंगी, और तकरीबन मैं 25 से 30 मिनट तक इसे बेक होने के लिए मैंने रख दिया है। 25 से 30 मिनट बाद मैं आपको इसका दिखाती हूँ। चले ये 2 मिनट हो गए हैं, हाँ जो मैंने तेज की हुई है, अब मैं इसको मीडियम कर रही हूँ। चले मैं इसको 25 से 30 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। चले ये मुझे 30 मिनट हो गए हैं, तो देखते हैं हमारी नान खताई तैयार है। देखिए ये वाला कलर आ गया है, चूल्हा मैं अब नीचे से बंद करूंगी, तो अब मैं इसको निकाल लूंगी। चले मैंने इसे निकाल लिया, अब मैं तकरीबन इसे 5 से 10 मिनट के लिए ना ठंडा होने देती हूँ, तो फिर इसको मैं डिश आउट करती हूँ। चले ये मैंने डिश आउट कर ली है, ये नान कताई हमारी तैयार है। ये देखिए कितनी ज्यादा क्रिस्पी बनी, इसको नीचे से देखिए इसका ये वाला कलर आना चाहिए। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे, मैं इसको तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ, तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखिए माशाल्लाह अभी थोड़ी सी गर्म है, तो जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे क्रिस्पी होती जाएगी। तो चले मैं साथ ही इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।